नमस्कार, मी स्वाती गोडसे. टॉक टाइम या आमच्या खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. तर प्रेक्षक हो, टॉक टाइम मध्ये आपण अनेक विविध विषयांवरती चर्चा करत असतो. विविध क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ मंडळी आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात. तर आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती चर्चा करणार आहोत. आणि आजचा आपला विषय आहे महिलांमधील स्तनाचा कर्करोग. आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओत आहेत कर्करोग तज्ज्ञ डॉक्टर प्रीतम जैन. तर सुरुवातीला डॉक्टरांचं खूप खूप स्वागत करूयात आपण. डॉक्टर, खूप खूप स्वागत आपलं आमच्या या खास कार्यक्रमामध्ये, ज्याच्यामध्ये आज आपण एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावरती आम्हाला मार्गदर्शन करणार आहात. तर डॉक्टर प्रीतम जैन यांच्याविषयी जर माहिती सांगायची झाली तर डॉक्टर प्रीतम जैन हे माहीमच्या SL रहेजा या हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असून अनेक कॅन्सरचे रुग्ण त्यांच्याकडे उपचार घेत आहेत. तर आजचा आपला विषय आहे ब्रेस्ट कॅन्सर, अर्थातच स्तनाचा कॅन्सर. आणि याविषयी आपल्याला जैन सर मार्गदर्शन करणार आहेत. तर डॉक्टर, पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. डॉक्टर, सध्या जर आपण विचार केला तर जगभरात स्तनाचा कॅन्सर ही खूप मोठी समस्या बनलेली आहे. तर नेमकी ही संकल्पना काय आहे, थोडक्यात थोडं इंट्रोडक्शन द्या की स्तनाचा कर्करोग म्हणजे नेमकं काय. देखिए, सबसे पहले कैंसर चीज क्या होती है इसके ऊपर हम प्रकट करेंगे. कैंसर सेल जो होती है, मतलब नॉर्मली हमारे शरीर में जो कोई भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं. कुछ सेल्स बनते हैं और कुछ सेल्स मर जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस रहता है. कैंसर सेल्स में क्या होते हैं कि सेल्स बनते ही जाते हैं और ये मरते नहीं है, जिसको हम इमॉर्टल कहते हैं. तो कैंसर सेल्स बनते जाते और अल्टीमेटली इवेंचुअली ये इकट्ठे होके एक लंप, जो हम गांठ की तरह फील करते हैं, तो एक लंप और ये ट्यूमर जो होता है एक कैंसर बन जाता है, इसको हम कैंसर कहते हैं. तो ब्रेस्ट में भी ऐसा ही होता है कि एक लंप जब वो महसूस होता है तो ये कैंसर सेल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है. तो इसको हम ब्रेस्ट कैंसर की तरह रूप में देखते हैं. अच्छा, म्हणजे पेशींचं प्रमाण वाढत जाणं आणि त्याची गाठ बनणं म्हणजे नेमका स्तनाचा कॅन्सर असतो. तर गेल्या काही वर्षांपासून तुम्ही खरं तर असे रुग्ण हाताळत आहात. तर या वर्षभराचा विचार केला तर जगभरातल्या तुलनेमध्ये आपल्या भारत देशाचा जर आपण विचार केला तर असे किती रुग्ण वर्षभरात तुम्हाला आढळत आहेत, हे प्रमाण वाढलंय का? हां, ये बहुत जरूरी है. मैं संख्यों और आंकड़ों से शुरू करना चाहूंगा. अगर ग्लोबोकॉन डेटा 2018 में ये कहता है कि भारत देश में एक साल में 1,65,000 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं. अरे बाप रे, 1,65,000. और इसमें से मृत्यु की संख्या 80,000 के ऊपर है. अगर आप हर 1,00,000 औरत के कंपैरिजन में गिना जाए तो लगभग 25 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है. और हर 1,00,000 वुमेन में, जो औरतों में, लगभग 13 से 14 मृत्यु की संख्या आई जाती है. तो ये अपना भारत देश का डेटा है, संख्या है. और तो और बड़ी गंभीरता की बात यह है कि जनरली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 50-60 के उम्र में औरतें शिकार होती है, लेकिन अभी ये ट्रेंड काफी यंगर जनरेशन में भी इम्पैक्ट आ चुका है. 30 और 40 के उम्र की महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर के शिकार बनते जा रहे हैं और ये काफी अग्रेसिव है, इसलिए इसको बड़े गंभीरता से लेना होगा. पूरे देश में अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड में भी 80% जो ब्रेस्ट कैंसर्स, मान लो यूके यूएस में जो डिटेक्ट होते हैं वो स्टेज 1 स्टेज 2 में ही डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं. बट यही आंकड़े भारत देश में उल्टा हो जाता है और 80% महिलाएं स्टेज 3 स्टेज 4 जो एडवांस्ड कैंसर होता है तब जाके वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं. तो ये गंभीर परिस्थिति है आज अपने भारत देश में. नाही, नक्कीच डॉक्टर, ही अत्यंत गंभीर आणि खरं तर सिंपल, जसं आपण म्हणतो की सर्दी खोकला जसा माणसाला होतो अगदी तसा आता कॅन्सर व्हायला लागलेला आहे. आणि विशेषतः महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग ही खूप मोठी, खरं तर काळाची, येणाऱ्या काळापुढे खूप मोठा आव्हान असणार आहे आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी सुद्धा. तर नेमके रिस्क फॅक्टर काय असतात या सगळ्या कर्करोगामध्ये? ये काफी जरूरी आहे. मी मानता हूं की करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने से हाफ द बैटल इज वन, मतलब आप ये जंग आधे से ज्यादा जीत चुके हैं अगर सही इन्फॉर्मेशन आप ले लेंगे. तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि स्तन का कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. इसको हम साधारण तरीके से दो चीजों में, दो भाग में डिवाइड करते हैं. वो जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, और दूसरे जो मॉडिफाइबल होते हैं. सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो उसमें नॉन मॉडिफाइबल होता है वो है उम्र. उम्र हमारे हाथ में नहीं है, हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे, उम्र बढ़ती जाती है. तो जैसे जैसे एक औरत की उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही उनका रिस्क
बढ़ते जाता है। तो एक औरत अगर 50-60s में आती है तो उनका स्तन का कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है उम्र। दूसरा जो रिस्क फैक्टर इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली हिस्ट्री, या कहीं पे हेरिडिटरी है या जेनेटिकली सेंसिटिव है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिनकी जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, इसको हम प्रिवेंट करके कई जाने बचा सकते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, आज की तारीख में काफी वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल हो चुकी है, अर्बनाइज्ड हो गया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है, मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, और मेंटल स्ट्रेस से और स्ट्रेस के साथ और कई चीजें आती है, जैसे अल्कोहल इंटेक बढ़ जाता है, स्मोकिंग, टोबैको और कई सारी चीजें, ये सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करती है स्तन के कैंसर की तरफ से। इसके अलावा जो एक औरत का अतीत भी यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर किसी औरत को स्तन कैंसर हो चुका है तो उसका दूसरे स्तन का भी कैंसर रिस्क बढ़ जाता है भविष्य में, और उसको हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है। यहाँ तक कि कुछ पर्सनल रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री भी काफी इम्पोर्टेंट है एक औरत में, जैसे कि मासिक धर्म किस उम्र में शुरू होता है। अगर किसी औरत का मासिक धर्म 12 साल की उम्र के पहले शुरू होता है और अगर 55 साल तक या उसके बाद बंद हो जाता है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर्स होता है, क्योंकि उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जो शरीर का हार्मोन ईस्ट्रोजन है वो काफी लंबा समय तक रहता है। इसके अलावा क्या क्या रिस्क फैक्टर्स जो एक औरत में रहता है, जैसे कि अगर किसी औरत की शादी नहीं हो और अगर शादी हुई हो तो लेट उम्र में बच्चा होता है या ज्यादा उम्र में बच्चा होता है, और अगर बच्चा होता भी है तो उसको उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया या नहीं कर पाए, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स इनके सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मॉडिफाइबल है हमारे हाथ में नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, और जो हमारे हाथ में है हमारा शरीर का ध्यान हमें भी ध्यान से काम करना चाहिए। ये सब रिस्क फैक्टर्स होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे औरतें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर से बच जाते हैं और उनको नहीं भी होता है। डॉक्टर खूपच छान माहिती तुम्ही देत आहात, कारण आत्ता हा ज्वलंत प्रश्न आहे कर्करोगाचा, आणि याविषयी तुम्ही खूप छान सर्वांगीण माहिती देत आहात। एकूणच काय तर लाईफस्टाईल चेंज झाली आहे माणसांची, त्यामुळे कुठेतरी हे प्रमाण वाढलंय, त्यामुळे लोकांचं खरं तर ज्ञान देणं आणि त्यांना या रोगाविषयी जागृत करणं हे खूप मोठं आव्हान आहे, आणि ते पार करणं खरं तर वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या माणसांपुढे असणार आहे। डॉक्टर तुम्ही थोडी फॅमिली हिस्ट्रीबद्दल मेन्शन केलं, तर खरंच फॅमिली हिस्ट्रीमुळे चान्सेस वाढतात का कर्करोग? ये काफी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। लगभग 10% के केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव निकलती है। मान लीजिए अगर किसी के घर के में किसी की माँ, किसी की बेटी, बहन को अगर स्तन का कैंसर होता है तो कहीं ना कहीं एक औरत का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना हो। मान लो कि अगर आपके परिवार में किसी को स्तन का कैंसर हुआ है तो दो चीजों का ध्यान रखना है, ये कितने नजदीक के रिश्तेदार है आपके और किस उम्र में उनको स्तन का कैंसर हुआ है। उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूंगा, मान लो कि आपके किसी आपके मदर या सिस्टर को एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, जो 60 साल की उम्र में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क मिनिमली डेफिनेटली होगा। लेकिन क्योंकि ये 60 इयर्स 60 साल की उम्र में हुआ है तो इसका रिस्क थोड़ा मिनिमम है। यही अगर आपके घर परिवार में नजदीक के रिश्तेदार है और उनको लगभग 40 साल की उम्र में हुआ है तो आपका रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फैमिली हिस्ट्री में, जितना नजदीकी रिश्तेदारी है उतना रिस्क बढ़ जाता है, और कम उम्र में अगर स्तन कैंसर होता है तो और भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। ये कहने के बावजूद हमारे रूटीन प्रैक्टिस में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, और अगर फैमिली हिस्ट्री होती भी है तो आपको कैंसर नहीं भी हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि फैमिली हिस्ट्री है तो आपको चौकन्ना रहना है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्तन कैंसर जरूर होगा। अमुक बार हम ऐसे भी देखते हैं कि एक जनरेशन स्किप हो जाता है और दूसरे जनरेशन में स्तन का कैंसर दिखने शुरू हो जाता है, तो इसका कोई
जेन्युइन रीजन नहीं है, ये बस एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है जो आपका जेनेटिक चेंजेस मॉडिफाई होते हैं जिससे आप सेंसिटिव ससेप्टिबल हो जाते हैं. सो फैमिली हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है स्तन के कैंसर पेशेंट्स में. अगर कोई भी महिला के घर में ये रिस्क फैक्टर है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए. तुम्ही खूप एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला, तो म्हणजे असा की बऱ्याच जण घाबरलेले असतात की माझ्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये कॅन्सर आहे याचा अर्थ मला होणारच. ही जी भीती असते ती बऱ्याच जणांच्या मनातली गेली असावी आता, कारण तुम्ही आता म्हणालात की अशा बऱ्याच वेळा होतं की ज्यांना हिस्ट्री नसते त्यांना सुद्धा कॅन्सर होतो, त्यामुळे पॉसिबिलिटी कमी आहे. आणि या सगळ्यांमध्ये सेल्फ एक्झामिनेशन हे खूप महत्त्वाचा एक थिअरी आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे. त्यामुळे हे सेल्फ एक्झामिनेशन अशा पेशंट्सना की भविष्य काळामध्ये खूप मोठा वाढू नये त्याचा प्रादुर्भाव कॅन्सरचा, तो रोखण्यासाठी हे कसं मदत करतं ते थोडं प्रेक्षकांना सविस्तर सांगा. देखिए, ये एक काफी सिम्प्लिफाइड मेथड है जो हर औरत को प्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जानना है और ये इम्प्लीमेंट भी करना है, ना कि सिर्फ जानकारी लेके छोड़ देना है. तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, इस मेथड में पेशेंट का डॉक्टर पेशेंट खुद ही रहता है. तो यहाँ पे हर औरत को अपने स्तन को अच्छी तरह से जानना है, उसमें क्या बदलाव आते हैं, और अगर कोई भी बदलाव उनको अनयूजुअल लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना हो. ये जनरली कैसे करते हैं, हर औरत को महीने में एक बार आईने के सामने खड़े रह के अपने स्तन को एग्जामिन करना है, विजुलाइज करना है, उनके आकार को इमेजिन करना है, कुछ बदलाव आया है, कोई कलर चेंजेस है, निप्पल एरियोला कहीं से कुछ डिस्चार्ज, कुछ ब्लीडिंग या ब्लड आ रहा है, तो ये सब पे ध्यान रखना है. देखने के बाद उनको अपने हाथों से अपने स्तन को फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला एक औरत अपने स्तन को बेहतर जानने की कोशिश कर रही है और ये हर महीने में इनका कंसिस्टेंसी चेंजेस होते रहते हैं. तो अगर फील करते वक्त उनको कोई भी अबनॉर्मल फील हो रहा है, जैसे छोटी छोटी घाटें महसूस हो रही है, तो प्लीज तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, ये कैंसर की गांठ हो सकती है. दिस इज अ सिंपल मेथड. इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी कई बार छोटी छोटी घाटें इंसान के हाथ तकनीकी से अनडिटेक्टेबल या मिस हो जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखना है. जनरली ये कब करना है, महीने में एक बार, प्रिफरेबली मासिक धर्म बंद होने के बाद. अच्छा. 8वें 9वें 10वें दिन ऐसा आप कर सकते हो, पोस्ट मासिक धर्म के बाद करना. अच्छा. चाहिए. और ये सब औरत को करना चाहिए 20 साल की उम्र के बाद. नक्कीच, म्हणजे एकूणच काय तर कॅन्सर आपण रोखू शकतो आणि जरी झाला तरी त्यातूनही आपण बाहेर निश्चितच येऊ शकतो आणि एक सुदृढ आयुष्य जगू शकतो जर आपण सेल्फ एक्झामिनेशन केलं. आणि त्याचबरोबर मेमोग्राफी हे पण एक तंत्रज्ञान खूप फायदेशीर आहे कॅन्सर पेशंटसाठी, त्याविषयीही जाणून घ्यायचं डॉक्टर. मात्र एक छोटासा ब्रेक घेऊयात आणि ब्रेक नंतर ही चर्चा आपण अशी सुरू ठेवूयात. तर टॉक टाईम आमच्या खास कार्यक्रमात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, लगेच परत येतो. बघत रहा आमचा खास कार्यक्रम टॉक टाईम. ब्रेकनंतर टॉक टाईम आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि स्तनांचा कॅन्सर या महत्त्वाच्या विषयावर आज आपण चर्चा करत आहोत आणि डॉक्टर प्रीतम जैन आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत. अत्यंत मोलाचं असं मार्गदर्शन कर्करोग पेशंटसाठी खरं तर डॉक्टर करत आहेत. डॉक्टर, तुम्ही सेल्फ एक्झामिनेशनबद्दल खूप छान माहिती दिली ज्यामुळे निश्चितच महिलांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर अजून एक तंत्रज्ञान ज्याचा फायदा कर्करोग पेशंट्सना होऊ शकतो आणि ते तंत्रज्ञान म्हणजे मेमोग्राफी, त्याबद्दल जरा सांगा. जी हाँ, मेमोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग टूल है जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर्स डिटेक्ट करते हैं. मेमोग्राफी क्या होता है, जैसे हम रेगुलरली छाती का एक्सरे करते हैं, चेस्ट का एक्सरे करते हैं, हड्डियों का एक्सरे करते हैं, उसी तरह से स्तन का भी एक्सरे करते हैं और उसको हम मेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है. तो मेमोग्राफी हम क्यों करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो टेक्निक हम हाथ से यूटिलाइज करते हैं गांठ को आइडेंटिफाई करने के लिए, छोटी छोटी गांठें हाथों से मिस हो जाती है या अनडिटेक्टेबल होता है, तो ये छोटी छोटी गांठें मेमोग्राफी उसको पिकअप कर लेती है और अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोज हो जाता है और इससे औरत महिलाओं की जान बच जाती है. तो ये एक मेमोग्राफी स्क्रीनिंग टूल है जो हम यूटिलाइज करते हैं. तो मेमोग्राफी जनरली हम कब करना चाहिए और कब रिकमेंडेड है,
40 साल के उम्र के आगे हर औरत साल में एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए, करना चाहिए। अगर कहीं कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कोई गांव में रहते हैं, फाइनेंशियल बर्डन है, तो एटलीस्ट सुविधा नहीं है, तो दो साल में एक बार करना चाहिए, प्रेफरेबली साल में एक बार, इफ नॉट दो साल में एक बार करना ही चाहिए। कब तक? जब तक उनकी उनका स्वास्थ्य हेल्दी है तब तक आप कर सकते हो। अच्छा। 40 साल के पहले ये रिकमेंडेड नहीं है, अनलेस दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, अदरवाइज 40 साल के उम्र के ऊपर ही करना चाहिए। मला वाटतं डॉक्टर संख्या वाढत चालली या रुग्णांची, त्यामुळे मला असं वाटतं की सगळ्यांनीच, हिस्ट्री असो अथवा नसो, पण प्रत्येक महिलेने आजचं ही जर संख्या वाढती पाहिली तर मेमोग्राफी करणं खरंच महत्त्वाचं आहे दीर्घायुष्यासाठी, एक सुदृढ लाईफस्टाईलसाठी। मगाशी डॉक्टर बोलता बोलता तुम्ही लाईफस्टाईलबद्दल पण बोलला की लाईफस्टाईलसुद्धा कॅन्सरसाठी खरंच परिणामकारक ठरू शकते, कारण होऊ शकतं लाईफस्टाईल। तर व्यसन ज्यांना असतं, ड्रिंक अल्कोहोल करतात किंवा तंबाखूसारखं ज्यांना व्यसन आहे, किंवा ज्यांची लाईफस्टाईल खूप स्ट्रेसपूर्ण आहे, खूप तणाव आहे त्यांच्या आयुष्यात, अशा सगळ्या गोष्टींचा कितपत परिणाम होतो स्तनांच्या कॅन्सरवर? काफी सिग्निफिकेंटली एक स्वास्थ्य पे ये इम्पॅक्ट होता है। देखिए अभी आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जो है वो नंबर वन कैंसर है अर्बन सिटीज में और पूरे इंडिया में भी, एंड इट इज़ अ नंबर वन किलर औरतों में है, बिकॉज उनको डेटा ऐसा बताया गया है कि जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, अर्बनाइज्ड हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ बढ़ रही है, अल्कोहल इनटेक लोगों का बढ़ रहा है, या तो कुछ शौक से लेते हैं या स्ट्रेस से लेते हैं, लेकिन इंटेक बढ़ गया है, एक हैबिट हो गई है, और टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, कहने का मतलब है कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्तन कैंसर के टुवर्ड्स। अल्कोहल स्पेसिफिकली स्तन कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है, जितना आप ड्रिंक बढ़ाते रहोगे उतना आपका रिस्क बढ़ते रहता है। ऑन एन एवरेज 3 drinks इन अ वीक आपका रिस्क फैक्टर शुरू हो गया है। एंड नॉर्थ ईस्ट में ये भी पाया गया है कि जहाँ जहाँ टोबैको कंज्यूम करते हैं लाइक बीटल नेट ऐसी चीज़ें, उन महिलाओं में भी स्तन का कैंसर काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे चीज़ व्यसन है, अर्बनाइज लाइफस्टाइल है, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है स्तन कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर जसा महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग होतो तसा पुरुषांमध्येही होतो का हे जाणून घ्यायचं आहे, मात्र एक छोटासा ब्रेक घेऊयात आणि पुन्हा ही चर्चा आणि त्याचं उत्तर तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत। तर प्रेक्षक हो, पुन्हा एक छोटासा ब्रेक, लगेच परत येतो, बघत राहा आमचा खास कार्यक्रम टॉक टाइम। ब्रेकनंतर टॉक टाईम यांच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि प्रेक्षक हो, डॉक्टर प्रीतम जैन आपल्या सोबत आहेत आणि स्तनांचा कॅन्सर या विषयावरती ते आपल्याला अमूल्य असं, खरं तर मूल्यवान असं मार्गदर्शन करत आहेत। डॉक्टर तुम्ही महिलांच्या स्तनाच्या कर्करोगाविषयी बोललात, तर बऱ्याच वेळा आता हल्ली अशी चर्चा आहे की पुरुषांमध्ये देखील स्तनाचा कर्करोग असू शकतो, तर हे खरं आहे का, अशा केसेस आपण हाताळल्यात का? येस येस ये सच आहे, पुरुषों में भी स्तन का कैंसर डिटेक्ट होता है और पुरुष भी इसके शिकार होते हैं। कहा जाता है कि स्तन का कैंसर महिलाओं में 100 गुना ज़्यादा होता है पुरुष के कंपेयर में, संदर्भ में, लेकिन कुछ कुछ यूनिक चीज़ें होती है जो पुरुष का स्तन कैंसर को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों? एक, क्योंकि पुरुषों में जो स्तन कैंसर होता है उसका स्क्रीनिंग कोई मेथड इफेक्टिव नहीं है। अच्छा। जैसा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, मेमोग्राफी हम महिलाओं में ये रिकमेंड करते हैं, वैसा उनमें रिकमेंड नहीं है। दूसरी चीज, पुरुषों का जो स्तन होता है वो काफी छोटा होता है, वहाँ का ब्रेस्ट टिश्यू काफी स्मॉल होता है। अगर कुछ भी बदलाव जहाँ पे कैंसर बन जाता है तो ये सीधा एडवांस स्टेज में ही प्रेजेंटेशन मिल जाता है, और ये इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, उनकी जो आयुष होती है, इससे सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। कहने का मतलब पुरुष भी स्तन कैंसर का शिकार होते हैं, इसमें कोई इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड नहीं है, और पुरुषों को भी ध्यान रखना है, स्पेशली जहाँ पे उनके फैमिली हिस्ट्री में सिग्निफिकेंटली स्तन कैंसर पॉजिटिव निकले हैं या कुछ और कैंसर निकले हैं, जहाँ उनके जीन, कैंसर के जीन शरीर में आ चुका है।
तो इट इज नॉट अनकॉमन, इट इज डेफिनेटली हम अपने रूटीन प्रैक्टिस में स्तन ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं पुरुषों में। डॉक्टर ही खरतर भीतिदायक चिंताजनक बाब आहे खरतर पुरुषांसाठी, जे पुरुष खरतर आता आपले जे प्रेक्षक आहेत पुरुष वर्गामधले त्यांच्यासाठी ही खरतर चिंतेची बाब आहे की महिलांनाच नाही तर पुरुषांना सुद्धा स्तनाचा कर्करोग होऊ शकतो आणि त्यामुळे त्यांची लाईफस्टाईल किंवा फॅमिली हिस्ट्री हे सगळं बघणं खूप महत्वाचं आहे आणि जे तंत्रज्ञान महिलांना अवेलेबल आहे ते नाही आहे त्यांना, त्यामुळे निश्चितच एका जास्त ॲडव्हान्स लेवलला गेल्यानंतरच ते फाइंड आउट होतं, त्यामुळे योग्य ती काळजी आरोग्याची घेणं हे खूपच महत्वाचं आहे। डॉक्टर सध्या पूर्ण जगाचा आपण विचार केला तर जगाच्या तुलनेत आपल्या देशामधलं सध्याचं वास्तव काय आहे, किती संख्या आहे आणि वर्षभरामध्ये असे किती पेशंट स्तनाच्या कर्करोगाचे तुमच्या हातून जात असतात? अगर हम भारत देश की तुलना जगत से करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आंकड़े आपको बता दिए हैं, 80% जगत में यूके यूएस में फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में डॉक्टर के पास महिलाएं जाती है, लेकिन अपने भारत देश में यही आंकड़े 80% थर्ड और फोर्थ स्टेज में आने के बाद महिलाएं डॉक्टर के पास प्रेजेंट होती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैंने आंकड़े बता दिए जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो घटनाएं जो स्तन कैंसर के जो शिकार हो रहे ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, ये काफ़ी चिंताजनक है और इसको हमको गंभीरता से लेना है। और सबसे बड़ी गंभीरता की बात ये है कि जिस तरह से उम्र बढ़ रही है नो डाउट आपका रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन आज की तारीख में जो यंगर जनरेशन है जो 30 साल 40 साल की उम्र के महिला है ये उसका शिकार हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली इसका प्रॉब्लम परिणाम ये है कि जितने कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होगा उतना ही वो डेंजरस होता है, उतना ही वो अग्रेसिव होता है। इसीलिए इसका सोल्यूशन एक ही है कि लोगों को अंदर जागरूकता पैदा करनी है, एजुकेट करना है, अवेयरनेस होना है, चौकन्ना होना है और भारत देश में अपने महिलाओं की जान बचाना हम सबका कर्तव्य होता है। इसीलिए ये प्रोग्राम ब्रेस्ट अवेयरनेस के बारे में ज़रूर हमको लोगों तक पहुंचाना है। नक्कीच आणि डॉक्टर आता सध्या खरं तर जनजागृती करणं एकूणच वाढती संख्या पाहता ही खूप महत्वाचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही काम करत आहात आणि तुमचं कार्य निश्चितच एक खूप महत्वाचं असं कार्य आहे आणि यापुढेही तुम्ही तसंच करत राहाल अशी आशा आहे। डॉक्टर आज तुम्ही इथे आलात आणि एका गंभीर विषयावरती तुम्ही आम्हाला छान मार्गदर्शन केलं त्यासाठी खरंच खूप खूप थँक्यू थँक्यू। तर टॉक टाइममध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची, ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।